नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी और खबर भजनपुरा और यमुना विहार से। आज यानी 16 तारीख को यमुना विहार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम हालांकि 15 तारीख को भजनपुरा के अंबिका पैलेस में भी ऐसा ही कार्यक्रम हुआ। यह पिछले दो दिन से भजनपुरा हो या यमुना विहार में, दोनों ही जगह अग्रवाल महासभा के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें उनकी कुल देवी माँ लक्ष्मी का भव्य मंदिर जो कि हरियाणा में बन रहा है, उसकी वहाँ पे कार्य चल रहा है, उसी को लेके ऐसे कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं। सभी वैश्य समाज के लोगों ने यहाँ आकर इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया और उन सभी को यहाँ पे सम्मानित भी किया गया। इसमें क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी, जिला अध्यक्ष मोहन गोयल, यहाँ के विधायक अजय महावर, मणि बंसल और ऐसे ही गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का संचालन यहाँ पे वैश्य समाज की तरफ से भुवनेश सिंघल द्वारा किया गया, जो ये कार्यक्रम पिछले कई सालों से करा रहे हैं और इस कार्यक्रम में वो बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाते भी हैं। उनकी टीम के सहयोगी मणि बंसल भी लगातार उनके साथ इस कार्य में उनका हाथ बटा रही हैं। इसी कड़ी में क्षेत्र यहाँ से सांसद मनोज तिवारी पहुँचे और उन्होंने यहाँ माँ लक्ष्मी की आराधना की, यहाँ पे दीप जला के इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में यमुना विहार भजनपुरा के अंतर्गत आने वाले इस रथ यात्रा में उन्होंने भाग लिया। हालांकि रथ यात्रा उनके लिए यहाँ पे अलाउ नहीं की गई क्योंकि कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से रथ यात्रा को परमिशन नहीं दी गई, मगर फिर भी सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष इन सभी ने यहाँ आके माँ लक्ष्मी की आरती की, पूजा की, आराधना की और लोगों के साथ जितना भी हो सका यहाँ इस रथ यात्रा में शामिल हुए। इन सभी का मकसद एक था कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मंदिर से अपने समाज के लोगों को जोड़ा जाए और समाज भी अपनी हिस्सेदारी, अपनी यहाँ पे जो सहयोग है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा करे ताकि इस मंदिर का भव्य निर्माण किया जा सके। आप कुछ झलक देखिए इस की और यहाँ पे इस रथ यात्रा का जो शुभारम्भ है, हरी झंडी यहाँ पे दिखा के इस रथ यात्रा को आगे बढ़ाया गया सांसद द्वारा, विधायक द्वारा और जिला अध्यक्ष द्वारा। आज की यात्रा के बारे में, ये अग्रोहा में माँ दिलक्ष्मी का मंदिर बन रहा है और चूंकि मंदिर तो बन ही जाता है लेकिन कभी कभी होता है ना कि किसी की स्वेच्छा से इच्छा हो उसमें कुछ डोनेशन दे सके, तो उसके लिए ये हमारे भुवनेश सिंघल जी और समाज ये एक रथ यात्रा चला रहा है। हमने भी इसमें 21,000 रुपया डाल दिया, जिसका भी मन हो उसमें कुछ ना कुछ कर सकता है, स्वेच्छा पे है, नहीं तो श्रद्धा का दान तो कर ही सकते हैं। जिस तरह से यात्राओं के ऊपर लगातार राजनीति बन रही है और लगातार अब बातें आ रही हैं कि यात्राओं को लेकर पहले परमिशन होगी और उसके बाद ही यात्रा निकाली जाएगी, इन जैसी यात्राओं के लिए पूरे देश भर में जो यात्रा चलनी है उसके लिए यदि परमिशन की बात यदि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें कर देती हैं तो आने वाले समय में कितना मुश्किल हो जाएगा। एक निश्चित संख्या से ज़्यादा अगर संख्या होती है तो उसमें परमिशन आवश्यक है, लेकिन 20-25 लोगों के लिए ऐसे परमिशन की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अग्रोहा हरियाणा में माँ लक्ष्मी का, जो वैश्य समाज की कुलदेवी हैं, उनका एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है अग्रवाल वैश्य महासभा द्वारा और उसके निमित्त यह एक यात्रा निकाली जा रही है अलख जगाने के लिए, हर घर को, हर घर की एक ईंट मांगने के लिए, एक सहयोग मांगने के लिए। चंदा पर्पस नहीं है, पर सबकी आहुति डल जाए, एक ईंट की डल जाए तो उसमें माँ लक्ष्मी का भव्य मंदिर बनेगा जो हम सब की कुलदेवी हैं। इसी के निमित्त आज यह कार्यक्रम अग्रवाल हमारी अग्रसेन भवन जो है यमुना विहार में, यहाँ पर भुवनेश सिंघल जी के द्वारा किया गया है, जिसमें सांसद हमारे आदरणीय मनोज तिवारी जी, मैं स्वयं उपस्थित हूँ, जिला के अध्यक्ष मोहन गोयल जी हैं, यहाँ के अग्रवाल सभा के अध्यक्ष अजय अग्रवाल जी हैं, बहुत से गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सब ने इस रथ यात्रा को आज यहाँ से प्रारंभ किया है। चलिए, आज जिस प्रकार से आपने देखा, आज ये अग्रवाल भवन में
फिर से ये एक सभा का कार्यक्रम किया गया, बैठक की गई, प्रतीकात्मक रूप से एक रथ यात्रा का यहाँ पर उद्घाटन हमने कल किया था अंबिका पैलेस में, और आज यहाँ पर पुनः इस यात्रा को प्रतीकात्मक रूप से रथ को मंगाकर खड़ा किया गया है यहाँ पर हमारे रूप से। अग्रोहा में एक यात्रा निकली है लक्ष्य लेकर के सद्भावना यात्रा के रूप में, पूरे देश को जोड़ा जाए, समाज को जोड़ा जाए। तो देश में आज परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उसमें ऐसा लगता है कि समाज को एकजुट करना परमावश्यक हो गया, तो ये वैसे समाज ने, अग्रवाल समाज ने ये बीड़ा उठाया है कि वो 18 रथों के माध्यम से पूरे देश में रथों को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटी छोटी नुक्कड़े बैठक कर रहे हैं, जहाँ पर परमिशन मिल रही है वहाँ रथ चलाए जा रहे हैं, जहाँ पर परमिशन नहीं की जा रही वहाँ इस प्रकार की सभाएं की गई हैं जैसे आज हमने यहाँ पर सभा की है। वो लक्ष्य केवल एक यही कि सद्भावना यात्रा के रूप में पूरे देश के लोगों को जोड़ा जाए, एकजुट किया जाए और इसे राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहने का लक्ष्य पूर्ण किया जा सके। प्रतीकात्मक शब्द का इस्तेमाल किया तो ये मान लिया जाए कि अब जो सनातन और लोगों में प्रेम जगाना था, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से हमारे रथ को आज हमने सांसद जी ने, विधायक जी के माध्यम से सारे लोगों ने हरी झंडी दिखाई, आरती करी और कहीं ना कहीं संदेश दिया कि सबके दिल में माँ बसती है और हम दया भाव कभी भी नहीं छोड़ेंगे। भारत में हमेशा सद्भावना बनी रहेगी, दूसरे पक्ष को सोचना चाहिए कि उसके दिल में क्या है। आपने नाम ले दिया दूसरे पक्ष का, तो दूसरे पक्ष की मान ली जाए कि कहीं ना कहीं वो जो प्रतीकात्मक या ये मान ले संकुचन है वो केवल वही 20% लोग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों ना कहें कर रहे हैं। आप पीछे आप जंगीपुरी का देखिए तो कहने में कोई शक नहीं, जब हम उनके किसी भी धार्मिक आयोजन में नहीं करते तो वो हमारे में क्यों करते हैं। ये कहीं ना कहीं अभी ये खत्म होना चाहिए। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा देश जहाँ विश्वगुरु बनने की राह पर है, ऐसे में छोटी छोटी यात्राओं की परमिशन न मिलना बड़े दुर्भाग्य की बात है। कल को तो हम कलश भी निकालेंगे, कल को तो आप कह दोगे लक्ष्मी माता का कहीं पर एक धार्मिक आयोजन में।